आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद का मिला धमकी भरा पत्र। रेवाड़ी रेलवे जंक्शन सहित अन्य रेलवे स्टेशनों को उड़ाने की दी धमकी। धमकी भरा पत्र मिलने के बाद रेलवे स्टेशनों की बढ़ाई सुरक्षा व्यवस्था। 8 अक्टूबर तक पत्र में दी है मोहलत। मसूद अहमद कराची पाकिस्तान के नाम से जारी हुआ पत्र। बच्चों की नोटबुक में हाथ से लिखी हुई है, रफ सी हैंड राइटिंग है। उसमें ये लिख रखा है कि आतंकी सक्रिय हैं और हम ऐसा ऐसा करेंगे, मंदिरों को उड़ा देंगे, स्टेशनों को उड़ा देंगे। 10-11 स्टेशनों का नाम है जिसमें रेवाड़ी स्टेशन का भी नाम है। 10 अक्टूबर तक का टाइम दिया है कि हम बात करेंगे। तो इसमें सर क्या अभी तैयारी कर रहे हैं इसको इसको लेकर? देखिए, रेवाड़ी रेलवे स्टेशन की मैं जहाँ तक बात करूँगा, GRP RPF मिलकर के यहाँ सुरक्षा बनेगी। पहली प्रायोरिटी हमारी ये रहेगी कि स्टेशन पे जो अनाधिकृत रास्ते हैं उनको हम बंद कराएं। स्टेशन पे कार्य करने वाले जितने भी बाहर के लोग हैं, चाहे वो कुली हैं, वेंडर हैं, पार्किंग वाले हैं, पार्सल के हैं, पोर्टर्स हैं, सफाई कर्मचारी हैं, इन सबको हम बारी बारी से अलर्ट कर रहे हैं। हमने अपने स्टाफ को भी हाई अलर्ट किया है कि स्टेशन पे कहीं पे भी कोई लावारिस सामान या कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखाई देता है तो उसको हल्के में ना लें, तुरंत ड्यूटी ऑफिसर को फ़ोन करें या मुझे फ़ोन करें, अपने अधिकारियों को बुलाएं और सतर्क रहकर ड्यूटी करें। कई बार ऐसा होता है कि फुट ओवर ब्रिज पे भी कोई थैली लगा गया या कोई पैकेट छोड़ गया या किसी कचरे के डिब्बे में कुछ डाल गया, उन सब पे हमारी नज़र है। अनाधिकृत रास्तों को बंद करने की हमारी प्रायोरिटी रहेगी। आप देखे होंगे कि ये स्टेशन पे जो मेन गेट है पहले था, इसको हमने बंद किया है। इसके बहुत सारे कारण हैं, एक कारण ये भी सुरक्षा की दृष्टि।